सेवा शर्त को लेकर नाराज बिहार के शिक्षकों से घबराई बिहार सरकार। पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा ने सभी जिलाधिकारी और सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के आंदोलन पर नजर रखेंगे डीएम और एसपी। अब आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। बिहार के शिक्षक अपनी सेवा शर्त को लेकर नाराज हैं और अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन काली पट्टी बांधकर खासकर आंदोलन करने के मूड में हैं, जिसका ऐलान भी कुछ संगठनों के द्वारा किया गया है। ऐसे भी शिक्षक बताते हैं कि तमाम शिक्षक जो हैं बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए सेवा शर्त से नाखुश हैं और आंदोलन के मूड में हैं। इतना ही नहीं, चुनाव में सबक सिखाने की भी बात बोल रहे हैं। इसको लेकर विशेष शाखा बिहार पटना पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक बिहार, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक को पत्र लिखकर ध्यान देने की, सूचना रखने की बात कही गई है। विशेष शाखा पुलिस अधीक्षक ने सभी जिलाधिकारी और सभी वरीय पुलिस अधीक्षक के पास लिखे गए पत्र में कहा है कि सूचना अनुसार टीएटी, एसटीएटी शिक्षक संघ एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में क्रमशः गोप गुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह के आह्वान पर अपनी मांगे नियमित शिक्षकों के समतुल्य पूर्ण वेतन एवं सेवा शर्त के मांग के तहत बदला लो बदल डालो नारे के साथ काला बिल्ला लगाकर विद्यालय कार्य करते हुए सभी विद्यालयों एवं जिला तथा प्रखंड मुख्यालय पर संकल्प दिवस मनाने का कार्यक्रम निम्नांकित तिथि को प्रस्तावित है। पत्र में क्रमशः 1, 2, 3, 4 बिंदु में दर्शाकर पूरी खाका को विशेष शाखा के द्वारा सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बताया गया है, जिसमें कहा गया कि दिनांक 5/9/2020 को बिहार के सभी शिक्षक मुंह पर काली पट्टी लगाकर अपमान दिवस मनाएंगे और सरकारी समारोह में भाग नहीं लेंगे। दूसरे बिंदु में कहा गया है दिनांक 12/9/2020 को सभी प्रखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का अर्धी जुलूस निकालेंगे। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि दिनांक 19/9/2020 को सभी प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकालेंगे तथा संवैधानिक मांग को पूरा करने के वाली सरकार को अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं से बेदखल करने का संकल्प लेंगे। बिंदु नंबर 4 में कहा गया है कि 2020 से आसन बिहार विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव में सत्ताधारी प्रत्याशी का क्षेत्र भ्रमण के दौरान घेराव किया जाएगा, अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता निरोधात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। यह पत्र सभी जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा बिहार पटना के द्वारा लिखा गया है। अब देखना यह होगा कि बिहार के शिक्षकों के द्वारा अपनी सेवा शर्त के समर्थन में किस प्रकार से आंदोलन किया जाता है और प्रशासनिक तौर पर सरकार के द्वारा किस प्रकार से शिक्षकों को रोकने का काम किया जाता है। क्या सचमुच में बिहार के शिक्षक आने वाले चुनाव में सरकार का विरोध करते हुए विपक्षी दलों को वोट देंगे? अब तो यह आने वाला समय ही गवाह होगा। फिलहाल सरकार के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।